find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken two at a time and the product of its zeros as 2, minus 7, minus 14 respectively. पहले मैं कहता हूँ equation क्या है. Let the equation be, let the polynomial be, polynomial क्या है, ax cube plus bx square plus cx plus d. ठीक है. Let alpha, beta, gamma be the roots, be the roots of polynomial. alpha, beta, gamma क्या हो गए, इसके roots हो गए. ठीक है. अब क्या है, given हमारे को क्या है, alpha plus beta plus gamma, ये क्या हमें given है, sum of roots है, ये है 2. ये 2 है क्या, basically ये 2 है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए क्या आ गया, 2 आ गया. अगला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है माइनस 7. ये क्या होता है, ये होता है सी बाय ए. और लास्ट में अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है, अल्फा बीटा गामा होता है, ये हमें दे रखा है माइनस 14. और ये क्या होता है, ये होता है माइनस डी बाय ए. तो पॉलिनोमियल होता क्या है, हम पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं, मान लीजिए मेरी इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है. तो क्या होगा, मैंने इसको डिवाइड बाय ए कर दिया थ्रू आउट, डिवाइड बाय ए. अगर इसको डिवाइड बाय ए करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय ए एक्स प्लस डी बाय ए इज इक्वल टू ज़ीरो. यानी अब क्या लिखूंगा देखिए मैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी बाय ए की वैल्यू क्या है, देखो बी बाय ए की वैल्यू है माइनस टू, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर. सी बाय ए की वैल्यू क्या है, माइनस सेवन एक्स. और डी बाय ए की वैल्यू क्या है, देखो डी बाय ए की वैल्यू है 14 इज इक्वल टू ज़ीरो. तो इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन हो गई एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू ज़ीरो. और अगर मेरे को बताना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 14, ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया.